ई पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह, भारतीय भाषा केंद्र जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हूँ। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रासो काव्य परंपरा पर बातचीत करेंगे। रासो काव्य परंपरा की बातचीत के बाद आप हिंदी के आदिकालीन साहित्य का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। रास, रासक या रासों के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे, प्रमुख रासो ग्रंथों से परिचित हो सकेंगे और रासो ग्रंथों की विशेषताएं समझ सकेंगे। हिंदी साहित्य का शुरुआती दौर आदिकाल के नाम से जाना जाता है। हम ये जानते हैं कि साहित्य के अलग अलग कालखंडों में अलग अलग काव्य परंपराएं विकसित होती रहती हैं। आदिकाल भी इसका अपवाद नहीं है। आदिकाल में अनेक साहित्यिक परंपराएं विकसित हुई, पर जो काव्य परंपरा विशेष रूप से चर्चित हुई उसे रासो काव्य धारा के नाम से जाना जाता है। इसी रासो काव्य की परंपरा के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल के नाम से भी अभिहित किया है। रासो शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, इसके संबंध में विद्वान एकमत नहीं है और यह मतभेद आज का नहीं है, नया नहीं है, पुराना है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें लगाई हैं। किसी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है तो किसी ने रसायन, रहस्य, राजयश, रासक, रास आदि शब्दों से। ऐसा लगता है कि रासो का संबंध रास शब्द से है। रास रचाने की क्रिया का वर्णन हमें श्रीमद् भागवत से ही मिलने लगता है और रास में नृत्य और गीत प्रधान होते हैं। ऐसा लगता है कि रासो एक परंपरागत काव्य रूप है, एक ऐसा काव्य रूप जिसका संबंध नृत्य और गीत दोनों से रहा है और इस परंपरा का विकास संस्कृत या अन्य किसी परंपरा से न होकर अपभ्रंश की परंपरा में हुआ है। मतलब रासो काव्य परंपरा अपभ्रंश की देन है, अपभ्रंश से पूर्व इसका अस्तित्व नहीं था। आदिकालीन साहित्य में रासो ग्रंथों की परंपरा दो रूपों में विकसित हुई, एक तो नृत्य गीत परक धारा थी और दूसरा छंद वैविध्य परक धारा। इन दोनों धाराओं में अनेक रासो ग्रंथ लिखे गए हैं। रासो ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत का श्रेय जैन कवियों को जाता है। इस धारा के कवियों ने प्रचुर मात्रा में रासो ग्रंथों की रचना की है। जैन कवियों के साथ साथ जैनेतर कवियों ने भी अनेक रासो ग्रंथ लिखे और वे विशेष महत्वपूर्ण हुए। काव्य विषय की दृष्टि से रासो ग्रंथों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। वे रासो ग्रंथ जिनमें उपदेश की प्रधानता है, उपदेश मूलक रासो ग्रंथ। दूसरे वर्ग में हम उन रासो ग्रंथों को रख सकते हैं जिनमें श्रृंगार की प्रधानता है, श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथ।
तीसरे वर्ग में हम उन रासों ग्रंथों को रखेंगे जिनमें वीर रस की प्रधानता है, अर्थात वीर रसात्मक रासों ग्रंथ। मैं समझता हूं कि रासों ग्रंथ परंपरा के अध्ययन के लिए यही तीनों वर्ग हमें सर्वाधिक उपयोगी होंगे। आइए देखें कि कौन सी परंपरा में कौन कौन से रासों ग्रंथ लिखे गए। सबसे पहले हम उपदेश मूलक रासों ग्रंथों पर बात करते हैं। रासोग्रह काव्य परंपरा में पर्याप्त मात्रा में उपदेश मूलक रासों ग्रंथों की रचना हुई है और ये रासों ग्रंथ धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं। ऐसे ग्रंथों में धर्मोपदेश की प्रधानता है और ये ग्रंथ अधिकतर जैन कवियों द्वारा लिखे गए हैं। इस परंपरा का एक मशहूर ग्रंथ है उपदेश रसायन। नृत्य गीत परक रास परंपरा की सबसे प्राचीन रचना उपदेश रसायन है। उपदेश रसायन के रचनाकार श्री जिन दत्त सूरी हैं। यद्यपि इस रचना में रचना के रचनाकाल का उल्लेख नहीं है, पर जिन दत्त सूर की और दूसरी रचनाएं संवत 1200 विक्रमी के आसपास की हैं। इस आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि उपदेश रसायन का रचनाकाल 1200 विक्रमी के आसपास है। इस ग्रंथ की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई है और इसमें काव्य तत्व का नितांत अभाव है, पर रचना में प्रयुक्त छंद चौपाई है तथा इसका विषय धर्मोपदेश और धर्म की मार्मिक विवेचना है। यह रचना 32 छंदों में समाप्त हुई है। हालांकि इस ग्रंथ से रास या रासो का संबंध इसलिए नहीं जुड़ता कि इसमें रासो नाम का उल्लेख नहीं है, पर इसके टीकाकार व्याख्याकार और इतिहासकारों ने इस रचना को रासो परंपरा में ही रखा है। दूसरा प्रमुख उपदेश प्रधान रासो ग्रंथ बुद्धिरास है और बुद्धिरास की रचना जैन कवि शालिभद्र सूरि ने की है। इस ग्रंथ में भी रचना काल का उल्लेख नहीं है। अनुमान के आधार पर कहा जाता है कि इसकी रचना 1241 विक्रमी के आसपास हुई होगी। इसी कवि की एक दूसरी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1241 विक्रम में हुई थी। जाहिर है कि बुद्धिरास भी उसी 1241 विक्रमी के आसपास ही लिखा गया होगा। उपदेश रसायन की तरह बुद्धिरास का कथ्य भी धर्मोपदेश है। यह रचना 63 छंदों में समाप्त हुई है। भूले हुए लोगों को धर्म की शिक्षा देना इस रचना का मूल उद्देश्य है। जीव दया रास। जीव दया रास इसके रचनाकार आगस्त कवि हैं और इसका रचना समय संवत 1257 विक्रमी है। रचना के नाम से ही स्पष्ट है कि जीवों पर दया करने का उपदेश इस रचना में दिया गया है।
इसीलिए माता प्रसाद गुप्त से दया धर्मोपदेश कहते हैं, उपदेश तत्व की प्रधानता होने के कारण इस रचना में काव्य तत्व का अभाव है। इसी परंपरा की एक और रचना है चंदन बाला रास। चंदन बाला रास की रचना भी आगस कवि ने की है। इस रचना में भी रचना काल का कोई उल्लेख नहीं है। आगस कवि की दो रचनाएं जो 1257 विक्रमी के आसपास की मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसकी रचना भी 1257 विक्रमी के आसपास हुई होगी। इस रचना में कुल 35 छंद है। इसकी रचना जालौर में हुई थी। चंदन बाला की धार्मिक कथा का प्रचार प्रसार करना इस रचना का मूल प्रतिपाद्य है। चंदन बाला रास में दोहा तथा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। रेवत गिरिदास, रेवत गिरिदास श्री विजय सेन सूर की रचना है और इस ग्रंथ का रचनाकार संवत 1288 विक्रमी है। इस रचना में गिरनार के जैर मंदिरों के जीर्णोद्धार की कथा कही गई है। यह ग्रंथ 72 छंदों में समाप्त हुआ है और इसकी रचना सौराष्ट्र में हुई है। इस परंपरा का एक दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ सप्त क्षेत्र रासु है। हालांकि सप्त क्षेत्र रास के रचनाकार का नाम अब तक अज्ञात है, यह माना जाता है कि यह रचना संवत 1327 विक्रमी के आसपास हुई थी। इस ग्रंथ में कुल 119 छंद हैं। ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है जैन धर्म के सप्त क्षेत्रों, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, ज्ञान, साध्वी, साध, श्रावक और श्राविका की उपासना का वर्णन। इसी परंपरा में कछुली रास का भी नाम लिया जाता है। इसके रचनाकार का भी नाम अज्ञात है। इस ग्रंथ की रचना संवत 1363 विक्रमी में हुई थी। इस ग्रंथ का उद्देश्य भी धार्मिक है। कछुली नाम की एक जगह है जो जैन तीर्थस्थल के रूप में मशहूर है। इस तीर्थस्थान का वर्णन करना, उसके महत्व का प्रतिपादन करना इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। कछुली रास में कुल 35 छंद है। उपदेश मूलक रासों ग्रंथों की संख्या काफी अधिक है। सभी ग्रंथों पर तो बातचीत नहीं की जाती और कर पाना संभव भी नहीं है, पर मुख्य रूप से जिन ग्रंथों की चर्चा होती है उन ग्रंथों की चर्चा यहां की गई है। रासो ग्रंथों के जैन रासो ग्रंथों के विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ दिखाई देती है कि रचनाओं में काव्य गुण का अभाव है। इनमें अधिकतर जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। जाहिर है कि इन रचनाओं का उद्देश्य साहित्यिक नहीं है। ये साहित्यिक महत्व की रचनाएं भी नहीं है। इन रचनाओं का महत्व धार्मिक है। दूसरी परंपरा जो है वह श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथों की है।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे रासो ग्रंथों में श्रृंगार रस की विशेष महत्ता है। नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए विरह की स्थितियों का विस्तृत वर्णन करना इन रचनाओं का मूल उद्देश्य है। कुछ महत्वपूर्ण श्रृंगार मूलक रासो ग्रंथों की चर्चा बहुत संक्षेप में हम करने की कोशिश करेंगे। इस परंपरा में पहला नाम संदेश रासक का आता है। संदेश रासक की रचना तिथि ज्ञात नहीं है, यह जरूर निश्चित है कि यह 11वीं शताब्दी की रचना है और इसके रचनाकार का नाम अद्दहमाड़ अर्थात अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान फारस के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम मीर हुसैन था। संदेश रासक की रचना 223 छंदों में हुई है। इसमें 22 प्रकार के छंद व्यवहित हुए हैं। इस ग्रंथ का विषय विप्रलब श्रृंगार है जिसका अंत मिलन में होता है। विजयनगर जैसलमेर की एक विरहिणी नायिका अपने परदेशी पति के पास संदेश भेजना चाहती है। उसे एक पथिक आता हुआ दिखाई देता है। वह उसे रोकती है और अनुरोध करती है कि उसके पति के पास वह संदेश ले जाए। नायिका संदेश देना शुरू करती है और संदेश का सिलसिला इतना लंबा है कि वह समाप्त ही नहीं होता। पथिक जो ही चलने के लिए तैयार होता है वह कुछ कहने लगती है। मजबूर होकर के पथिक को रुकना पड़ता है। इसी क्रम में कवि को सटरित वर्णन का भी अवसर मिल गया है और सटरित वर्णन तक का संदेश सुनते सुनते पथिक भी उग गया था। जब सटरित वर्णन समाप्त होता है वह चल देता है और उसी समय विरहिणी को अपना पति वापस आता हुआ दिखाई पड़ता है। संदेश रासक में वियोग श्रृंगार का सुंदर वर्णन हुआ है। दूसरी रचना है मुंजरास। कुछ पुरानी रचनाएं जैसे सिंधेव प्रबंध चिंतामणि पुरातन प्रबंध संग्रह इन ग्रंथों के हवाले से यह साबित होता है कि मुंज के चरित्र को लेकर अपभ्रंश में कोई काव्य लिखा गया था। यह अनुमान किया जाता है कि अपभ्रंश में लिखी हुई रचना का नाम मुंजरास या मुंजरासक रहा होगा। अब तक इस ग्रंथ की कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। मुंजरास का रचनाकाल संवत 1031 से 1052 विक्रमी के बीच का माना जाता है और इसमें कर्नाटक के राजा तैलप और मुंज की घोर दुश्मनी का चित्रण हुआ है। तैलब की ताकत का पता लगाए बिना जल्दबाजी में ही
मुंज ने उस पर आक्रमण कर दिया। मुंज पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। जिस बंदी गृह में मुंज बंदी था उसी में तैलब की विधवा बहन लालवती भी कैदी थी। मुंज को उससे प्रेम हो गया और मुंज ने बंदी गृह से भागने की योजना बना ली। वह अपने साथ मृणालवती को भी ले जाना चाहता था। मृणालवती बड़े असमंजस में थी, वह भागना भी नहीं चाहती थी और मुंज से अलग होना भी नहीं चाहती थी। अपने इसी असमंजस में उसने मुंज की योजना की जानकारी तैलब को दे दी। मुंज की योजना सफल नहीं हुई। तैलब ने मुंज का घोर अपमान किया और उसे हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। बीसल देवरास, बीसल देवरास भी मुख्यतः विरह काव्य है और संदेश रासक की परंपरा में इसको कह सकते हैं कि संदेश काव्य है। इसके रचयिता नरपत नाल हैं। हालांकि इसके रचनाकाल को लेकर के भी पर्याप्त विवाद रहा है, पर रचनाकार ने स्वयं संवत 1212 विक्रमी में इस ग्रंथ के प्रणयन का संकेत किया है। उल्लेख है इस ग्रंथ में 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार नाल रसायन आरंभ है शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। कुछ विद्वानों ने इस तिथि को सही ठहराया है और कुछ विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया है। बीसल देवरास की रचना लगभग 125 छंदों में हुई है। इस काव्य में अजमेर के चौहान नरेश बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के परदेश जाने और उसकी रानी राजमती के वियोग और संदेश भेजने तथा बीसल देव के वापस लौटने की कथा कही गई है। यह कथा 4 खंडों में विभाजित है। मालवा के भोज परिवार की पुत्री राजमती का साबर नरेश बीसल देव से विवाह, राजमती से रूठकर बीसल देव का उड़ीसा जाना और वहां 1 साल तक रहना, राजमती का विरह वर्णन और बीसल देव का उड़ीसा से लौटना, भोज का अपनी पुत्री को मालवा लाना तथा बीसल देव द्वारा वहां जाकर राजमती को अपने घर ले आना। बीसल देव के प्रवास के समय कवि ने रानी की विरह व्यथा का बड़ा ही सुंदर और चित्ताकर्षक वर्णन किया है। नामवर जी ने उल्लेख किया है कि इस रचना की नायिका जवान की जितनी तेज है, जवान की उतनी तेज नायिका हिंदी साहित्य में दूसरी नहीं मिलती। इस रचना में प्रारंभ से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण रचना गेय है। बुद्धिरासो, बुद्धिरासो के रचयिता कवि जल्ल है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह जल्ल वही जल्लड़ है जो चंद्रवरदाई का पुत्र था। चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज रासो को पूरा करने की जिम्मेदारी अपने पुत्र जल्लड़ को सौंपता है। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चले गोर निपकाज, जल्लड़ के हाथ में पुस्तक को सौंप करके राजा के काम से वह गोर देश गया। बुद्धि रासो के रचना काल के बारे में प्रामाणिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
अब तक यह ग्रंथ अप्रकाशित भी है। इसके अध्येताओं ने जो कुछ लिखा है उसी के आधार पर इस ग्रंथ पर प्रकाश डाला जा सकता है। माता प्रसाद गुप्त ने यह संकेत दिया है कि यह रचना 140 छंदों में समाप्त हुई है। इसमें दोहा, छप्पे, गाहा, पादड़ी, मुड़िल आदि छंद व्यवहारित हुए हैं। यह एक प्रेम कथा है। ये जो उपदेश प्रधान रासो ग्रंथ है, इनके अलावा जो वीर रसात्मक रासो ग्रंथ है वे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रासो परंपरा के अंतर्गत ऐसे रासो ग्रंथों का प्रणयन हुआ है जो वीरता, शौर्य और ओज से परिपूर्ण है। ऐसे प्रमुख रासो ग्रंथों के बारे में यहां चर्चा की जा रही है। एक रासो ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास। इस ग्रंथ की रचना शालिभद्र सूर्य ने संवत 1241 विक्रमी में की थी। इसमें अयोध्या के राजा ऋषभदेव के दो पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राज के लिए हुए संघर्ष की कथा है। भरतेश्वर राजा होकर अश्वमेध यज्ञ करता है, परंतु बाहुबली उसकी अधीनता अस्वीकार कर देता है। दोनों भाइयों में 13 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के माध्यम से कवि ने सैन्य वर्णन तथा युद्ध वर्णन का पूरा मनोयोग से चित्रण किया है। इसकी कथा 203 छंदों में समाप्त हुई है। वीररसात्मक रासो ग्रंथों की परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई ने की है और यह हिंदी का पहला महाकाव्य है। माना जाता है कि दिल्ली नरेश पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई समकालीन थे। यह कहा जाता है कि ये दोनों एक दिन पैदा हुए थे और एक ही दिन मरे थे, जीवन भर साथ साथ रहे। जो भी हो, यह कहावत जितनी सच हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दोनों बाल सखा थे। पृथ्वीराज रासो एक विशाल ग्रंथ है और इसके कई संस्करण प्रकाशित हैं। पृथ्वीराज रासो का मूल आकार प्रकार क्या होगा, कितना अंश इसका प्रामाणिक है, इसे लेकर के मतभेद है। पृथ्वीराज रासो का बृहद संस्करण काशी नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी से प्रकाशित है, जिसके संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। यह दो खंडों में है, दो भागों में है, दो वॉल्यूम है और इसकी कथा 69 समयों में कही गई है। 69 समयों मतलब 69 सर्गों में इस ग्रंथ में लगभग 2400 पृष्ठ। पृथ्वीराज रासो की एक दूसरी महत्वपूर्ण प्रति माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित है, जिसका नाम पृथ्वीराज रासो है। माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो का संपादन 12 सर्गों में किया है। पृथ्वीराज रासो का एक और संपादन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामोर सिंह ने किया है, जिसे लघु संस्करण के नाम से जाना जाता है। इनका दावा है कि मूल ग्रंथ यही है। दरअसल मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि पृथ्वीराज रासो एक विकसनशील महाकाव्य है, जिसका लेखन अलग अलग कालों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा हुआ है,
इसलिए इसके मूल स्वरूप का पता नहीं चलता। रासो काव्यधारा में पृथ्वीराज रासो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका कथानक राजपूत नरेशों और सामंतों की वीरता, शौर्य, विजयों और पराक्रमपूर्ण गौरव गाथाओं से भरी हुई है। पृथ्वीराज रासो के नायक दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान हैं। कवि ने इस रचना में पृथ्वीराज चौहान के विवाह, विजय, युद्धों और आखेट वर्णनों का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। इस ग्रंथ में वीर और श्रृंगार रस का सुंदर समन्वय हुआ है। पृथ्वीराज रासो के युद्ध वर्णन, सेना वर्णन और आखेट वर्णन में वीर रस की प्रधानता है और पृथ्वीराज के विवाहों के वर्णन में श्रृंगार रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज और संयोगिता के प्रेम वर्णन तथा विवाह वर्णन में कवि का मन खूब रमा है। भारत के महान वीर, अदम्य उत्साही और यशस्वी सम्राट पृथ्वीराज के यश का गान इस कृति का मूल उद्देश्य है। रासो काव्य परंपरा का यह सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण काव्य है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता, ऐतिहासिकता, भाषा आदि अनेक पक्षों पर विचार करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। शुक्ल जी ने जो बात लक्ष्य की थी वह ठीक है। जैसा कि पहले कहा गया कि चूंकि यह विकसनशील परंपरा का महाकाव्य है, जाहिर है यह समय समय पर लिखा गया है, बहुत दिनों तक मुख में सुरक्षित रहा है। निश्चित है कि ऐसी रचना में व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं होगी। कहीं कहीं तो हमें कुछ चीजें ठीक ठिकाने की मिल जाती हैं, भाषा भी व्याकरण सम्मत मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं साहित्य के निकष पर अगर इस रचना को कसें तो निराशा हाथ लगती है। कहीं कहीं तो भाषा आधुनिक साचे में ढली हुई दिखाई पड़ती है, क्रियाएं नए रूपों में मिलती हैं, पर साथ ही साथ कहीं कहीं भाषा अपने असली प्राचीन साहित्यिक रूप में भी पाई जाती है, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के चिन्ह पुराने ढंग के ही हैं। ऐसी दशा में भाटों के भागजाल के बीच इस रचना का कितना अंश असली है, इसका निर्णय करना असंभव है। यह ग्रंथ भाषा, इतिहास और साहित्य के जिज्ञासुओं के काम का तो है, पर इस पर विश्वास कर लिया जाए ऐसा नहीं है। इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ विजयपाल रासो है। विजयपाल रासो की रचना संवत 1607 विक्रमी के आसपास नल सिंह भाट ने की थी। नल सिंह भाट का प्रामाणिक जीवन वृत्त हमें नहीं मिलता। विजयपाल रासो के बारे में कहा गया है कि इसका लेखक विजयगढ़ करौली के यदुवंशी शासक का दरबारी था। यदि इस कथन को सत्य माने तो विजयपाल रासो का रचना काल संवत 1100 विक्रमी के आसपास का ठहरेगा, जो एकदम असंभव है। रचना में उल्लिखित तमाम वस्तुओं से साबित हो जाता है कि इस ग्रंथ का प्रणयन 1600 विक्रमी के आसपास हुआ है। इस कृति में विजयपाल की दिग्विजय का काव्य में वर्णन है। रचना में वीर रस की प्रधानता है।
एक और रचना का उल्लेख मैं करना चाहूंगा जो परमाल रासो के नाम से जानी जाती है, यह भी एक विवादास्पद कृति है। इसका मूल रूप क्या है आज तक अज्ञात है। संवत 1976 विक्रमी में काशी नागरी पिछाड़ी सभा से परमाल रासो का प्रकाशन हुआ था, पर अब वह प्रकाशन भी प्राप्त नहीं है। इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास ने जिन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर इसका संपादन किया है उनके नाम महोबा खंड तथा पृथ्वीराज रासो हैं। इस कृति में पृथ्वीराज चौहान तथा परमार्जिदेव परमाल के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। वैसे इस कृति के बारे में इसके संपादक का मत गौरतलब है। इसी से रचना पर सम्यक प्रकाश पड़ जाता है। श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो की भूमिका में लिखा है, जिन प्रतियों के आधार पर यह संस्करण संपादित हुआ है उनमें यह नाम नहीं है, उनमें इसको चंद पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड लिखा हुआ है, किंतु वास्तव में यह पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड नहीं है, वरन उसमें वर्णित घटनाओं को लेकर मुख्यतः पृथ्वीराज रासो में दिए हुए एक वर्णन के आधार पर लिखा हुआ स्वतंत्र ग्रंथ है। यद्यपि इस ग्रंथ का नाम मूल प्रतियों में पृथ्वीराज रासो दिया हुआ है, पर इस नाम से इसे प्रकाशित करना लोगों को भ्रम में डालना होगा, इसलिए मैंने इसे परमाल रासो नाम देने का साहस किया। आलखंड के रूप में महोबा के दो वीरों आला और उदल से संबंधित प्रचलित किंवदंतियों को आधार बनाकर इस रचना को भाटों द्वारा गाया जाता है। इस कृति का न तो साहित्यिक महत्व है और न ही ऐतिहासिक। रासो ग्रंथों की परंपरा में खुमाड़ रासो का भी नाम लिया जाता है। खुमाड़ रासो के रचयिता दलपत विजय हैं। खुमाड़ रासो का रचना काल 17वीं शताब्दी है। इसकी कुछ प्रतियां ऐसी भी मिली हैं जिनमें राणा संग्राम सिंह द्वितीय तक का उल्लेख है। संग्राम सिंह का शासनकाल संवत 1767 से 90 विक्रमी माना जाता है। ऐसी दशा में साफ जाहिर है कि यह रचना 18वीं शताब्दी के अंत की है। इस ग्रंथ में मेवाड़ के सूर्यवंश की महत्ता का वर्णन किया गया है। कवि का कथन है, सूरज वंश तड़ो सुजस वर्णन करूं विगति। सूर्यवंशी सम्राटों की वीरता और विजय का वर्णन करना ही इस कृति का उद्देश्य है। शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल रासो के रचयिता बूंदी के राव डूंगर सिंह है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस ग्रंथ की रचना संवत 1710 के आसपास हुई है। इस ग्रंथ में बूंदी नरेश छत्रसाल की वीरता पराक्रम और शौर्य का वर्णन किया गया है। इसमें कुल 500 के आसपास छंद हैं। यह रचना वीर रस प्रधान है। कहा जाता है कि यह पृथ्वीराज रासो के अनुकरण पर लिखी गई है। रासो ग्रंथों की परंपरा में हमीर रासक नामक दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। एक हमीर रासो जो सारंगधर द्वारा लिखी गई है और दूसरी हमीर रासो जिसकी रचना जोधराज ने की है।
यहां हम जोत राज की अमीर रासों की चर्चा कर रहे हैं। इस ग्रंथ में अमीर का वीर चरित्र विस्तार से वर्णित हुआ है। इस ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है और अनेक अनैतिहासिक तत्वों का समावेश है। इसमें उल्लिखित है कि अमीर के आत्मघात के पश्चात अलाउद्दीन समुद्र में कूदकर प्राण दे देता है। यह इतिहास सम्मत नहीं है। इस कृत की छंद संख्या लगभग 1000 है। इन रासों ग्रंथों के अलावा कुछ और रासों ग्रंथ भी हैं, जैसे गिरधर चारण का, सगत सिंह रासो 18वीं शताब्दी विक्रमी, सदानंद का रासा भगवत सिंह 18वीं शताब्दी, श्रीधर का परिचत रायसा 19वीं शताब्दी आदि। इन रासों ग्रंथों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि हिंदी साहित्य में रासों ग्रंथों की एक समृद्ध परंपरा है और यह परंपरा आदिकाल से लेकर के 19वीं शताब्दी तक विद्यमान थी। हिंदी साहित्य में उपदेश मूलक धार्मिक रासों काव्यों का महत्व कम है, पर श्रृंगार परक और वीर रसात्मक काव्यों का अद्वितीय स्थान है। रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो सर्वश्रेष्ठ रचना है। चंदबरदाई ने वीर और श्रृंगार रस का जैसा मार्मिक वर्णन इस ग्रंथ में किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है।